प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग का जो स्नेह प्यार मुझको मिल रहा है, जिस प्रकार से आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी प्रयास है कि मैं अपने ज्ञान के मुताबिक आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के उतार चढ़ाव का की जानकारी प्राप्त कराऊं और आप लोग खुद मेरे वीडियो को देखें। देख करके खुद आपको चाहता हूं कि आप इसके विद्वान बने और अपनी कुंडली स्वयं देखें। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूं, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, ये मोबाइल नंबर मैं इस कारण देता हूँ कि कोई मेरे वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप फ़ोन के द्वारा मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपका फ्री सेवा कर दूँगा। अगर कोई मित्र अपने कुंडली का विशेष रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसका आपको फीस अदा करना पड़ेगा। फीस अगर आप देंगे तो मैं आपके कुंडली का पूरा विवेचन कर दूँगा। इसके लिए आप मेरे फोन से संपर्क साधने का कष्ट करें। बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है, वैसे तो मैं केतु का बहुत सा वीडियो आपके सामने बना चुका हूँ, पर आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, केतु किन किन भाव में अधिक लाभदायक होता है, क्या लाभ देता है, क्या फायदा आपको देता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिए। जिस व्यक्ति के लग्न से दूसरे भाव में केतु हो, ऐसे लोग को अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक उन्नति होती है, इच्छा पर कम परिश्रम में अधिक सफलता मिलता है और आर्थिक रूप से कभी ये कमजोर नहीं रहता। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में केतु हो, ऐसे लोग टेक्निकल शिक्षा पाते हैं, व्यवसायिक शिक्षा पाते हैं, जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग से संबंधित इनकी शिक्षा होती है और विदेश भी जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में केतु हो, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग अपनी पहचान समाज में स्वयं बनाते हैं, उद्योगपति बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, करोड़ों रुपए में पूजे जाते हैं। जिनके कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में केतु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, समाज सेवक होते हैं और इनको अपने नाम से लोग पहचानते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में केतु बैठा हुआ हो, क्या बात है, बारहवें भाव में केतु को वैल्यू हो जाता है। ऐसे लोग बचपन से तेजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में इच्छा अनुसार पूजे जाते हैं। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, केतु लग्न कुंडली में लग्न किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, क्या लाभ देता है, इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने का। इतना करते वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।